हीरोपंती करेगा। क्या करेगा? सबको आदि नहीं, मेरी जान। एंट्री करने वाले टाइगर श्रॉफ का असली नाम क्या है? उनकी कौन सी कलाकार बचपन में उनके साथ स्कूल में पढ़ती थी? उनके कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से लेकर हम आए हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाइगर श्रॉफ ने 2014 से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की थी, मगर ये विश्वास करने में मुश्किल नहीं होगी कि उनको अपने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए काफी तैयारियां करनी पड़ी। रेगुलर डांस क्लासेस जाने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी लेते थे टाइगर। टाइगर बचपन से स्कूल में स्पोर्ट्स और ड्रामा में इंटरेस्ट रखते थे, तो जाहिर सी बात है कि बड़े होने के बाद वो भी अपने पिताजी के फुटस्टेप्स का अनुसरण करने वाले थे। उनका नाम जय हेमंत श्रॉफ रखा गया था, मगर फिर जैकी श्रॉफ को लगा कि उनका बेटा हर चीज को काटता रहता है, इसलिए उसका नाम उन्होंने टाइगर रख दिया बाद में। बचपन में टाइगर और श्रद्धा कपूर एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो दोनों एक स्कूल के साथ साथ एक क्लास में भी पढ़ते थे और बागी के प्रमोशंस के दौरान टाइगर ने खुलासा किया कि बचपन में उनका श्रद्धा पे क्रश था। टाइगर बॉडी बिल्डिंग में बचपन से ही इंटरेस्ट रखते थे और उनके जनरेशन के कई सारे एक्टर्स की तरह वो माइकल जैक्सन को अपना आदर्श मानते थे। फिल्म मुन्ना माइकल में उनका किरदार मुन्ना रॉय माइकल जैक्सन से प्रेरित था और उनके सम्मान में टाइगर ने पूरी फिल्म में अपने दाहिने हाथ में एक लाल टाई बांधी थी। यहाँ तक कि फिल्म के गानों के लिए टाइगर ने माइकल के एलए के कोरियोग्राफर से ट्रेनिंग ली थी। टाइगर के मार्शल आर्ट क्लासेस में एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी भी ट्रेन करते थे, हालांकि उनको अपनी पहली फिल्म बहुत बाद में जाकर मिली। टाइगर की बॉडी बिल्डिंग से कई सारे लोग प्रेरित होते हैं, मगर उनके फिटनेस उनके सीनियर एक्टर्स को भी प्रेरणा देती है। फिल्म धूम 3 के लिए आमिर खान को टाइगर श्रॉफ ने ट्रेन किया था और इसके बाद दोनों के बीच रिश्ता इतना गहरा हो गया कि आमिर टाइगर की डेब्यू फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते थे, मगर उसके बाद इस पर कोई बात सामने नहीं आई। टाइगर 4 साल की हमारे उम्र में मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपने करियर की शुरुआत में वो एक्टिंग से ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे। टाइगर ताइक्वांडो में 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं और WWE के बहुत बड़े फैन भी हैं। WWE का कौन फैन नहीं होता, आप में से भी बहुत सारे लोग WWE के फैंस होंगे। तो चलिए वापस आते हैं इस टॉपिक पर और टाइगर श्रॉफ के बारे में बात करते हैं। टाइगर श्रॉफ भगवान शिवा पर बहुत विश्वास रखते हैं और उनको अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। भगवान शिव की तरह वो भी कर्म में सब कुछ देकर फल में कुछ आशा ना रखने में विश्वास करते हैं, इसलिए अपने डेब्यू फिल्म हीरोपंती के लिए टाइगर ने 3 साल ट्रेन किया था और सारे स्टंट्स उन्होंने खुद ही परफॉर्म किए थे।
अक्सर उनकी माँ आयशा श्रॉफ परेशान होती हैं कि उनका बेटा इतने बड़े स्टार होने के बावजूद कभी बॉडी डबल यूज नहीं करता या VFX का सहारा नहीं लेता, बल्कि अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म करता है। क्या आप भी हमारी तरह टाइगर की मेहनत और लगन से उनके दीवाने बन गए हैं? आपको क्या लगता है, इस साल रैम्बो, हीरोपंती 2 और बाघी 4 एक साथ शूट करते करते टाइगर अपने स्टंट्स खुद कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट साई श्रेष्ठ दास ने लिखी है। शुक्रिया।